नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। स्नेहा भारती आपके साथ। 17वें विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि तमाम नव निर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। जी हां, और कुछ विधायक बचे भी हुए हैं, वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल AIMIM के विधायक जो हैं, उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी है वो कर दी है हिंदुस्तान शब्द पर। जी हाँ, इनका नाम है अख्तरुल ईमान, जो ओवैसी के पार्टी के विधायक चुने गए हैं इस बार, और वो हिंदुस्तान शब्द पर एक बड़ी टिप्पणी कर दिए हैं। क्या कुछ कहा है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, सदन के अंदर जिस तरह से AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसके 5 विधायक चुनकर आए हैं इस बार, बड़ी संख्या में चुनकर आए हैं, बड़ी सफलता हासिल की है AIMIM के विधायकों ने। पर आज सदन के अंदर इन विधायकों ने हिंदुस्तान पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। स्नेहा, दरअसल शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, इस दौरान जो अख्तरुल ईमान है, AIMIM के विधायक हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के नाम पर शपथ लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था वो भारत के नाम पर शपथ लेंगे। इस तरह की बातें सदन में आई स्नेहा, तो स्नेहा इस बात पर बखेड़ा खड़ा हो गया, हिंदुस्तान के नाम पर बखेड़ा खड़ा हो गया सदन के अंदर। ये बड़ी बात है स्नेहा, हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान के नाम पर बखेड़ा खड़ा होता है तो ये बड़ी बात है। अगर हम इसने आप बताते हैं, पहले अगर भारत, हिंदुस्तान या इंडिया, तीनों ही कहें, तीनों ही नाम अपने आप में परिपूर्ण है देश के, वो तीनों जो ये तीनों नाम है, कहीं से इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती स्नेहा, क्योंकि ये तीनों संविधान में माने गए नाम है, संविधान के अनुसार ये नाम है, तीनों नाम है स्नेहा, तो इस पर किसी तरह से विवाद खड़ा नहीं किया जा सकता। तो स्नेहा, इस पर जो विवाद खड़ा हुआ, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरह से जो AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल से इनकार करके, जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने ये कहा। अख्तरुल ईमान का नाम जैसे शपथ के लिए पुकारा गया, तो उन्होंने उर्दू में जब शपथ वो लेने वाले थे, तो प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी के सामने उन्होंने हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द बोलने की अनुमति मांगी। बिल्कुल अनुराग, वो जो शॉट है हमारे पास, वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो अख्तरुल ईमान है, वो जो जीतन राम मांझी के सामने, वो हिंदुस्तान की जगह भारत शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं। हम दर्शकों को सुनाते हो। बिल्कुल स्नेहा, तो ये उनका कहना था कि भारत जो शपथ लेते वक्त भारत के संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा में यही शब्द आता है, भारती आता है, और उर्दू में जब शपथ लिए तो प्रपत्र में जो लिखा गया है उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ है। इस पर अख्तरुल ने कहा कि वह भारत के संविधान के नाम पर शपथ लेंगे, न कि हिंदुस्तान के संविधान पर, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। स्नेहा, ये तमाम जो बातें हैं कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं। स्नेहा, फिर आगे जीतन राम मांझी जो प्रोटेम स्पीकर हैं, उन्होंने समझाया भी कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, उर्दू भाषा में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल जो है शपथ पत्र में किया जाता रहा है, और शपथ इसके नाम पर लिया जाता रहा है। इसके बाद भी अख्तरुल ईमान तैयार नहीं हुए और उन्होंने भारत के नाम पर ही शपथ ली, भारत के संविधान के नाम पर ही शपथ ली। तो ये बातें आई स्नेहा सदन के अंदर। उसके बाद ईमान साहब जब बाहर निकले तो उन्होंने बातें गोल गोल की और कह दिया कि उन्होंने केवल एक बात रखी थी सदन के अंदर कि हिंदुस्तान के जगह भारत का नाम उच्चारण किया जाना चाहिए। मतलब एक तरह से वो बचते दिखते, कन्नी कटाते दिखे। हिंदुस्तान ये आया पहले, पहले 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 ये बताइए कि किसने कहा, सुनिए पहले आप ये बताए किसने कहा परहेज है, आपने भारत क्यों पढ़ा हिंदुस्तान? अरे मैं भारत भी बोलता हूँ, इंडिया भी बोलता हूँ, हिंदुस्तान भी बोलता हूँ। मामला ये है कि मैंने आसन से ये जानना चाहा
कि संवैधानिक तौर पर चूंकि संविधान के आदेश के अंतर्गत शपथ ग्रहण होता है, तो संविधान में हर जगह हम भारत के लोग, भारत का संविधान लिखा हुआ है, तो क्या मुनासिब होगा कि हम भारत बोलें या हिंदुस्तान? परंपरा रही तो कोई भारत बोले। मैंने तो कहा भाई हिंदुस्तान से मोहब्बत है बेपनाह, भारत से प्रेम भी बहुत है, इंडिया से लव भी। लेकिन हिंदुस्तान कहने से हिंदू का बोध होता है क्या? हैं? हिंदुस्तान कहने से हिंदू राष्ट्र का बोध होता है क्या? नहीं, हिंदुस्तान राष्ट्र बोध का नहीं होता है। मैंने कहा कि संविधानिक तौर पर चूंकि भारत का प्रयोग ज्यादा हो रहा है और वहाँ हम लोग कानून बनाने वाले लोग हैं, तो संविधान के इशारे को सामने में रखना चाहिए। कोई गुरेज नहीं, मैंने कहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नहीं सुना अब तक आपने? बैठे बिठाए वालों को आपने एक मुद्दा दे, कोई मुद्दा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये ठीक है, वो तो उनका पुराना जुमला है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, अकलीतों के लिए, कब्रिस्तान और पाकिस्तान को, तो उनका पुराना जुमला, कोई नई बात लाइए तो उनके लिए, उनको इलावे, उसके अलावा हिंदुस्तान की सरजमीन को, यहाँ के लोगों की तालीम, यहाँ के लोगों की सुरक्षा, यहाँ नारी का सम्मान, ये उनका सब्जेक्ट मैटर है क्या? मैं कह रहा हूँ कि उनको तो इस सब की मिर्ची लग गई न जाने क्यों, और वहाँ जो गई गुलनाज की जो रूह तड़प रही है, जिसको इंसाफ नहीं मिल पाया, पुलिस की लापरवाही हुई, 40 किलोमीटर दूरी पटना से ये वाकया हुआ और पीएमसीएच में वो तड़पती रही, ये उनके लिए खबर नहीं बन पाई। ये लफाजी करने वाले लोग और शब्दों में बारूद भरने वाले लोग, पहले इनकी जबान के खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो ये बड़ी बात है कि दरअसल जो भारत के नाम पर, जो भारत के तीन नाम है, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, इन नामों पर सवाल उठाया जाना सदन के अंदर बड़ी बात है, बड़ी घटना है। और इस पर अब जो है सियासत भी तेज हो गई है, स्नेहा, सियासत तेज हो गई है। इसका जो विरोध सदन के अंदर हुआ, सदन के अंदर बीजेपी ने ही नहीं, जेडीयू ने भी विरोध किया है, स्नेहा, ये बड़ी बात है सदन के अंदर देखने को मिली। जिस तरह से जेडीयू बचती रही है इन मामलों में, पर जेडीयू के मदन सहनी ने, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्होंने विरोध जताया और कहा कि इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए हिंदुस्तान का नाम लेने पर, ये बातें उन्होंने कही। उसके अलावा बीजेपी के जो है नीरज कुमार बबलू ने तो यहां तक कह दिया कि जिसे हिंदुस्तान का नाम लेने में दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। मतलब सदन के अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, भारत, इंडिया, इस पर विवाद जो है गर्मा गया कुछ देर के लिए। हालांकि सदन को संभाल लिया गया, पर ईमान साहब ने जिस तरह से एक बार विवाद छेड़ दिया है, पहला दिन है आज सदन सत्र का, पहला दिन है, नए सदस्यों को शपथ दिलाया जा रहा है। AIMIM के 5 नए विधायक आए हैं, ईमान साहब पहले भी आ चुके हैं सदन में, पर इस तरह की जो बात उन्होंने की है तो कहीं ना कहीं इसने यहाँ समझा जा सकता है कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से सदन के अंदर जो अब है हिंदुस्तान की बात की जाएगी, पाकिस्तान की भी बात उठी गई। जो बबलू जी ने, नीरज कुमार बबलू जो है विधायक, उन्होंने कहा कि ऐसे जो हिंदुस्तान का नाम लेने में जिनको आपत्ति है वो पाकिस्तान चले जाएं। इस तरह की बातें उठ रही है इसमें, हाँ, सदन के अंदर। बिल्कुल, तो इस पर जो है सियासत अब तेज हो गई है और जाहिर सी बात है एक जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरह के जो बातें हैं वो कहीं से शोभा नहीं देती है। और इस पर अब सियासत जो है वो काफी गर्म हो गई है, अनुराग। बिल्कुल, स्नेहा, जिस तरह से बबलू ने ये भी कहा, जो नीरज कुमार बबलू है बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक नहीं है, ऐसे लोगों को सदन छोड़ के पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस तरह की बातें आज सामने आई बिहार विधानसभा के अंदर, जो पहला दिन है नए सत्र का, नए विधानसभा का पहला दिन है सत्र अभी जो। बिल्कुल अनुराग, तो पहले दिन ही जो है गहमा गहमी जारी है। तो इस बीच जो कांग्रेस है उसने भी जमकर नारेबाजी की है सरकार के खिलाफ, गुलनाज के लिए सरकार से इंसाफ की मांग की है। और इस बीच AIMIM के जो नए विधायक हैं उन्होंने भी जो माहौल है वो काफी गर्म कर दिया है। बिल्कुल, इसमें यहाँ थोड़ा सा और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस बारे में क्या कुछ है, जैसे है कि भारत और हिंदुस्तान और इंडिया, ये तीनों जो बातें हैं कैसे कैसे नाम पड़ा है। भारत का नाम जो है, भारत का जो है भगवान राम के पूर्वज थे भरत, राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके नाम पर जब उनका जो साम्राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था तो उनके नाम पर भारत पड़ा था। हिंदुस्तान की बात करें तो जब एक और भी इसके पीछे है भारत के नाम पढ़ने के पीछे, कि जब आर्य लोग आए थे देश में आए थे तो बहुत सारे कबीलों के रूप में देश के विभिन्न हिस्सों में फैले थे।
एक बड़ा कबीला भारत कहलाता था और इसी देश का इसी के आधार पर देश का नाम भारत प्रसिद्ध हुआ। ये दो कहानियां हैं भारत के नाम के पीछे। उसके अलावा हिमालय में अगर जो अगर बात करें हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा, तो हिमालय के पश्चिम में सिंधु घाटी नदी बहती थी और एक बड़ा भूभाग इससे घिरा है। इस भूभाग को सिंधु घाटी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत प्रसिद्ध है और मध्ययुग में जब तुर्किस्तान से कुछ विदेशी लुटेरे और ईरानी लोग आए थे तो सर्वप्रथम उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। यहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदू नाम दिया। दरअसल ये जो लोग आए थे विदेश से, उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू नाम दिया, जो सिंधु का ही एक अपभ्रंश है, और हिंदुओं के देश को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से प्रचलित किया। दरअसल सिंधु का अपभ्रंश हो गया हिंदू और हिंदू के नाम पर हिंदुस्तान पड़ा। ये हम बता रहे हैं दर्शकों के जानकारी के लिए। उसके अलावा इंडिया, इंडिया का जो नाम पड़ा देश का नाम, सिंधु नदी का ही दूसरा नाम इंडस वैली था। इंडस वैली सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी, तो इंडस वैली के कारण ही इंडिया कहा गया। ये तीनों नाम जो है कहीं ना कहीं स्नेहा तर्क देते हुए नाम है और देश के ये तीनों ही नाम है। इन तीनों नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए स्नेहा, तो हम ये बता रहे हैं। तो स्नेहा इस पर जिस तरह से अब विवाद खड़ा हो रहा है सदन के अंदर, बिहार के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है स्नेहा। बिल्कुल, तो माहौल जो है गर्म हो चुका है। आज पहला दिन है सत्र का और सत्र के पहले दिन ही काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। हम दोनों को इजाजत दें, धन्यवाद।